आज का विचार महाराणा प्रताप का अनमोल विचार। भारत में जब भी शूरवीरों की बात होती है तो महाराणा प्रताप का जिक्र जरूर होता है। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की गाथा बहुत ही रोचक और अद्भुत हैं। इनके अंदर कितना शौर्य और साहस रहा होगा जिसकी वजह से अकबर भी उनसे डरता था, तभी तो कभी राणा के सम्मुख नहीं आया। महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अकबर के तहत मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ अपने सैन्य प्रतिरोध के लिए एक लोक नायक बन गए। आइए जानते हैं भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप के अनमोल विचार आपके अनमोल जीवन के लिए। सम्मानहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान होता है। यदि सर्प से प्रेम रखोगे तो भी वह अपने स्वभाव के अनुसार डसेगा ही। अन्याय अधर्म आदि का विनाश करना संपूर्ण मानव जाति का कर्तव्य है। अपनों से बड़ों के आगे झुककर समस्त संसार झुकाया जा सकता है। तब तक परिश्रम करते रहो जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। मनुष्य अपने कठिन परिश्रम और कर्मों से ही अपने नाम को अमर कर सकता है। समय इतना बलवान होता है कि एक राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। अगर इरादा नेक और मजबूत है तो मनुष्य की पराजय नहीं बल्कि विजय होती है। एक शासक का पहला कर्तव्य अपने राज्य का गौरव और आत्मसम्मान बचाने का होता है। संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रयत्न मनुष्य को युग युगांतर तक याद रखा जाता है। यह संसार कर्मवीरों की ही सुनता है। अपने कर्म के मार्ग पर अडिग और प्रस्त रहो। मातृभूमि और अपनी माँ में तुलना करना और अंतर समझना निर्बल और मूर्खों का काम है। अपने लक्ष्य परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। समय एक ताकतवर और साहसी को ही अपनी विरासत देता है, इसलिए अपने रास्ते पर अडिग रहें। गौरव मान मर्यादा और आत्मसम्मान से अधिक कीमती अपने जीवन को भी नहीं समझना चाहिए। जो लोग अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी झुककर हार नहीं मानते हैं वह हार कर भी जीत जाते हैं। मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, सदा इनकी रक्षा करनी चाहिए। अपने और अपने परिवार के अलावा जो व्यक्ति अपने देश के बारे में सोचता है वही सच्चा नागरिक होता है। अपने अच्छे समय में अपने कर्म से इतने विश्वास पात्र बना लो कि बुरा वक्त आने पर वह उससे भी अच्छा बना दे। सत्य परिश्रम और संतोष सुखमय जीवन के साधन है, परंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी आवश्यक है। अपने कीमती जीवन को सुख और आराम की जिंदगी बनाकर नष्ट करने से बेहतर है कि अपने राष्ट्र की सेवा करो। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डरकर झुक जाते हैं उन्हें ना सफलता मिलती है और ना ही इतिहास में कोई स्थान। कष्ट विपत्ति और संकट यह जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे लड़ना चाहिए।